एक बेरूपिया लाला जी पंजाब में कहता भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाएंगे, दिल्ली में उस बेरूपिये ने आज तक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक नहीं मनाई है। फोटो लगाने की तो बहुत दूर की बात है, वहां वो क्यों नहीं चाहता किसी मुख्यमंत्री का फोटो लगे, क्योंकि वो वहां मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। दिल्ली में करिए बात, दिल्ली में लगा हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम की फोटो, दिल्ली में अपनी फोटो क्यों लगवा रखी है इसने? ये बहुत ही नटवर लाल, जिसको मैं कहूं ये नटवर लाल है, इस नटवर लाल से बचने की जरूरत है समाज के लोगों की। आज जो हमारे आगे सवाल है, आज हमारे आगे ये सवाल है, राजनीतिक अस्तित्व खो चुका बहुजन समाज, उसकी राजनीति में वापसी कैसे हो सकती है? बहुत सारे लोगों से मेरी चर्चा हुई है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और ऐसे ऐसे जगह लोगों के फोन आए कि अब क्या, अब क्या। देखिए, आप लोगों ने जितनी गिरावट देखनी थी राजनीतिक सत्ता की हमारी, उससे ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं लगता इस देश में कभी हमारी रही होगी। बाबा साहब के टाइम पे भी इतना बुरा हाल नहीं हुआ था, और साहब काशीराम ने तो सरकारें बना दी थी, और आज बहुजन समाज पार्टी की एक ही सीट आई है, वो भी वो जो व्यक्ति जीता है उसकी व्यक्तिगत सीट है, वो बहुत काम करता है। तो ये जो षड्यंत्र हुआ है उत्तर प्रदेश में, मैं उसी दिन समझ गया था जब अमित शाह ने तारीफ की बहुजन समाज पार्टी की कि मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएगा। ये इतने बड़े दिल के लोग नहीं है, इन्होंने एक संदेश दिया था कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर है और अब मुसलमान उसके साथ नहीं जाएगा। तो ये पोलराइज का सारा प्रोपेगेंडा था, जो हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो नहीं समझ पाए, और कुछ लोग अभी भी मिश्रा को ही गालियां देने में लगे हुए हैं, मिश्रा जी को, कि मिश्रा को पार्टी से निकाल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। अरे बात मिश्रा की नहीं है, वो ब्राह्मण हो गया, आपकी पार्टी में है, आपकी पार्टी के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक बेरूपिया लाला जी पंजाब में कहता भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाएंगे, दिल्ली में उस बेरूपिया ने आज तक बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती तक नहीं मनाई है। फोटो लगाने की तो बहुत दूर की बात है, वहां वो क्यों नहीं चाहता किसी मुख्यमंत्री का फोटो लगे, क्योंकि वो वहां मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। दिल्ली में करिए बात, दिल्ली में लगा हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम की फोटो, दिल्ली में अपनी फोटो क्यों लगवा रखी है इसने? ये बहुत ही नटवर लाल, जिसको मैं कहूं ये नटवर लाल है, इस नटवर लाल से बचने की जरूरत है समाज के लोगों की। लोग लगे हुए ओढ़ में, मुझे पता नहीं कहां कहां से फोन आ रहे हैं, कह रहे जी बाबा साहब की बात करता है। अरे बात बात करेंगे, ये आपके लिए काम नहीं करेंगे। जिन लोगों को अगर आप छू लेते थे वो लोग अछूत हो जाते थे, पवित्र हो जाते थे, क्या वो तुम्हारी वोट लेकर के तुम्हारे बाबा साहब अम्बेडकर का काम करेंगे, तुम्हारा काम करेंगे? नहीं करेंगे। मैं इस बेरूपिये के साथ रहा हूं सरकार में, मैंने देखा इस बेरूपिये का काम करने का स्टाइल, ये सिर्फ ऊपर से तो जय भीम कहेगा और फिर आपको रामलला के दर्शन करने ले जाएगा। ये आइडियोलॉजी है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना, कोई वस्तु नहीं है बाजार में रखी हुई कि जो मर्जी आए बेरूपिया और इसको उठा के बेचने का काम करे। तो ये आइडियोलॉजी है, अगर इस आइडियोलॉजी में चलना है तो हटाए भगवंत मान को वहां से मुख्यमंत्री, और खुद यहां से हटे। दोनों प्रदेशों में दलित बाहुल्य ये प्रदेश है, बनाए आप दलित सीएम, बनाए अम्बेडकर सोच का सीएम, और ये लॉलीपॉप देना बंद करे जो ये लॉलीपॉप देता है। ये सारी चीजें संविधान में अपने नागरिकों के लिए लिखी हुई है बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो साथियों, इनको समझो, ये लोग आपके कभी नहीं हो सकते। आप लोग कितना भी इनका गुणगान कर ले, ये आपके लोग कभी नहीं हो सकते।